लेट्स डू सम क्वेश्चन एंड सम मोर डिटेल अबाउट कंस्ट्रक्टिंग अ कॉन्फिडेंस इन टर्वल फॉर पॉपुलेशन प्रपोर्शन इफ़ न्यूमर सैम्पल्स आर टेकन द फ्रिक्वेंसी कव मेड फ्राम प्रपोर्शन फ्राम द वेरियस सैम्पल्स विल भी अप्रॉक्सीमेटली बेलशेप ये बात हमेशा आपने याद रखनी है कि अगर हम किसी भी पॉपुलेशन के अंदर से एन साइज के सैम्पल्स ड्रॉ करें उन सैम्पल्स को प्लॉट करते जाएँ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर तो शेप ऑफ द कर्व विल बी अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल स्पेशली इफ एन साइज इज़ ग्रेटर तो हम उसको जब प्लॉट करते जाते हैं तो शेप हमारी नॉर्मल होती जाती है इसी तरह आप पॉपुलेशन प्रोपोर्शन अगर फाइंड आउट करना है जैसा मैंने कहा कि आप फीमेल का प्रोपोर्शन स्टूडेंट्स का किसी भी कैंपस के ऊपर फाइंड आउट करना चाहते हैं हर लड़की ने 50 पचास का या 20 बीस का सैम्पल निकाला है और हर एक ने बताया कि मेरे सैम्पल में से पॉइंट है प्रोपोर्शन फॉर फीमेल स्टूडेंट्स किसी ने कहा पॉइंट फाइव फाइव किसी ने कहा 0.57 किसी ने कहा मेरी 0.5 है प्रोपोर्शन फॉर फीमेल स्टूडेंट्स तो हम उसको जब प्लॉट करते जाएंगे तो हमारा जो है वो फ्रिक्वेंसी uh, कर्व की जो शेप है दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल और स्पेशली परफेक्टली नॉर्मल इफ़ द इन साइज इज ग्रेटर द मीन ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे आपने सारे सैंपल्स का प्रोपोर्शन प्लॉट किया है विल बी इक्वल टू द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन और उसकी जो स्टैंडर्ड एरर है और स्टैंडर्ड डिविएशन है ऑफ उस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की वो इक्वल होगी इस फार्मूला के जो मैंने पीछे भी आपको बताया है विच इज़ इक्वल टू पी इन टू वन माइनस पी जो कि क्यू हो जाएगा डिवाइडेड बाय एन अंडर रूट हम कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं नाइन्टी फाइव परसेंट कॉन्फिडेंस इन आई विल शो यू इन दिस टेबल ऑल्सो हम टू बी एग्जैक्ट वी विड एक्चुअली एट दब्रैक्ट वन पॉइंट नाइन सिक्स क्यों वन पॉइंट नाइन सिक्स आपने नाइन्टी फाइव परसेंट एरिया आपने कवर करना है अगर ये नाइन्टी फाइव परसेंट एरिया है और नाइन्टी फाइव को टू पे डिवाइड कर दें तो हमारा क्या एरिया आएगा फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव आ जाएगा राइट सो इट इज़ पॉइंट फोर सेवन फाइव जीरो एरिया इधर और पॉइंट फोर सेवन फाइव ज़ीरो एरिया हमारा इधर है अब अगर हमने यहाँ का Z फाइंड आउट करना है टू बी एग्जैक्ट नाइन्टी फाइव परसेंट तो फिर मुझे टेबल में जाके वैल्यू देखनी पड़ेगी सही सो so, मैं प्रोपोर्शन इन द बॉडी वाले कॉलम में पॉइंट फोर सेवन फ़ाइव ज़ीरो या पॉइंट नाइन फाइव ज़ीरो ज़ीरो देखूँगी अगर आप ये देखें इस टेबल के अंदर तो यहाँ पे मुझे कहाँ पे जाके वैल्यू मिलेगी ये मेरी टेल वैल्यू पॉइंट जीरो टू फाइव ज़ीरो मैंने बताया था कि यहाँ पे पॉइंट जीरो टू फाइव ज़ीरो होगी और ये पॉइंट नाइन सेवन फाइव जीरो यानी इन दोनों को ऐड करके तो एग्जैक्टली exactly जो मेरी वैल्यू बनेगी वन पॉइंट नाइन सिक्स बनेगी जी की वैल्यू अगर मैंने एग्जैक्ट वैल्यू देखनी है वैसे रूल ऑफ थम के तहत हम यूजली टू स्टैंडर्ड एवियशन प्लस माइनस कह देते हैं लेकिन टू बी एग्जैक्ट इट इज़ वन पॉइंट नाइन सिक्स वैल्यू

वैसे तो आप 1.96 याद कर लें कि अगर हमने 95 परसेंट एरिया करना है मिडल का तो हमारी ये दोनों वैल्यूज़ माइनस वन और प्लस वन होंगी लेकिन अगर आपको टेबल वैल्यू नहीं याद और आप 95 परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यू कैन टेक अ राउंडेड वैल्यू ऑफ टू एंड दैट विल नॉट मेक मच डिफरेंस एंड इट इज़ ऑल्सो प्रैक्टिस एंड आई हैव सीन मेनी पीपल डूइंग इट but to be exact you actually take exact area and exact value constructing a confidence interval um, applying the reasoning we used to construct um, the formula for the 95% confidence interval and using the information about bell shaped curve we can construct for instance 68% which is one standard deviation plus minus and we can construct 99% also which is Three standard deviation instead of one. For example, by simply adding and subtracting one standard deviation to the sample proportion instead of two. Hum usme, uh, nikal sakte. Let's do an example. Here is example like a researcher reported the height of random sample of 200 British couples and showed that in only 10 couples was the wife taller than the husband. वी कैन कंस्ट्रक्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द ट्रू प्रोपोर्शन ऑफ ब्रिटिश कपल्स फॉर होम दैट BE THE CASE। एक साम्पल ड्रॉ किया है उसने 200 couples कपल्स को उसने स्टडी किया और 200 हंड्रेड में से टेन कपल्स ऐसे थे जिनमें वाइफ वॉज टॉलर देन द हजबेंड द रिसर्चर्स इन ट्रस्ट के इंटायर पॉपुलेशन के अंदर प्रोपोर्शन क्या होगा यानि कितने कपल्स ऐसे होंगे जिसमें वाइफ टॉलर देन हजबेंड होगी या उसका प्रोपोर्शन कितना होगा सो so, सबसे पहला स्टेप है कि यू विल कैलकुलेट सैम्पल प्रोपोर्शन और सैम्पल प्रोपोर्शन कैसे करेंगे वो है टेन बाय टू हंड्रेड विच इज इक्वल टू पॉइंट जीरो फाइव या फाइव परसेंट राइट आप कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि स्टैंडर्डिएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन विल बी इक्वल टू सैम्पल मीन एंड देन वन माइनस सैम्पल प्रोपोर्शन बेशक आप इसको ना भी यूज़ करें इसका मतलब यही है कि आपके पास सैम्पल प्रोपोर्शन ही है डिवाइडेड बाय एन और रूट और आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे कैसे यू विल प्लग इन द वैल्यू आपने प्रोपोर्शन सैम्पल का निकाल लिया विच इज़ पॉइंट ज़ीरो फाइव और इसमें वन में से माइनस करेंगे पॉइंट ज़ीरो फाइव तो विल बी इक्वल टू पॉइंट नाइन फाइव और हमारे पास एन गिवन है विच इज़ टू हंड्रेड और हम अंडर रूट करेंगे अगर हम इस सारे को सॉल्व कर लेंगे आप तो ये बन जाएगा पॉइंट ज़ीरो जीरो टू थ्री अंडर रूट विच इज़ इक्वल टू पॉइंट जीरो वन फाइव ये हमारी आ गई स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन अब हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करना है कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला है कि साम्पल प्रोपोर्शन प्लस माइनस जेड इंटू स्टैंडर्ड एरर कॉन्फिडेंस इंटरवल, आपने सैंपल प्रोपोर्शन आपको गिवन है विच इज पॉइंट जीरो फाइव और उसके बाद आप प्लस माइनस करें जेड आप चूंकि नाइन्टी फाइव परसेंट फाइंड आउट कर रहे हैं इन वी आर फाइव परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो जेड हमारा टू बी एग्जैक्ट वन पॉइंट नाइन सिक्स है और स्टैंडर्ड एरर हमने कैलकुलेट कर लिया विच इज इक्वल टू पॉइंट जीरो वन फाइव अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1.96 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज़ इक्वल टू पॉइंट जीरो थ्री समथिंग और जब आप इसको आप पॉइंट जीरो थ्री आप एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस करेंगे तो इट इज़ इक्वल टू पॉइंट ज़ीरो टू से लेके पॉइंट ज़ीरो एट तक सो लुक हाउ नीट इट इज़ बिकॉज यू हैव ड्रॉन अ सैम्पल एंड यू आर रियली इंटरेस्टेड इन द बिगर पिक्चर इन द बिगर पॉपुलेशन ऑफ द इंटायर कंट्री एंड फ्रॉम दिस टू हंड्रेड साम्पल यू नॉट गो नेक अ पॉइंट एस्टिमेशन बाई टेलिंग के जी फाइव परसेंट कपल्स ऐसे होंगे जिसमें वाइफ डॉलर होगी क्योंकि उसमें मार्जिन ऑफ एरर ज्यादा है आप उसके लिए क्या करेंगे आप नाइनटी फाइव परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करेंगे जिसका मतलब ये है कि आप नाइन्टी फाइव परसेंट कॉन्फिडेंट हैं आप नाइन्टी फाइव परसेंट श्योर हैं पॉपुलेशन पैरामीटर विच इज द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन वुड लाई बिटवीन दीज टू वैल्यूज सो नाउ वी आर नाइन्टी फाइव परसेंट कॉन्फिडेंट कि आपका पॉपुलेशन का जो है प्रोपोर्शन टू परसेंट से एट परसेंट के दरमियान कपल ऐसे होंगे जिसमें के वाइफ विल बी टॉलर देन द हस्बैंड इसी तरह एक और एग्जाम्पल है क्या रैंडम साम्पल ऑफ हंड्रेड स्टूडेंट्स इज टेकन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेयर द ओवरऑल प्रोपोर्शन ऑफ़ फ़ीमेल पॉइंट सिक्स ये जो मैं अभी एग्जांपल आपको दे रही थी कि आपकी यूनिवर्सिटी में से आपने फ़ाइंड आउट करना है कि इस कैंपस न्यू कैंपस के ऊपर फीमेल स्टूडेंट्स का प्रोपोर्शन क्या है तो आपने हंड्रेड का सैम्पल निकाला है और आपको सैम्पल प्रोपोर्शन पॉइंट दिया हुआ है आपने नाइन्टी कॉन्फिडेंस इन ट्रेल फ़ाइंड आउट करना है क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए चाहिए आपको पता है कि 95% के लिए आपका Z विल भी इक्वल टू 1.96 हो जाएगा मिल गया आपको और आपको पता है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो फॉर्मूला है वो है साम्पल प्रोपोर्शन प्लस माइनस Z इन टू स्टैंडर्ड एरर तो आपने स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करनी है और स्टैंडर्ड एरर या फिर स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन वुड बी इक्वल टू याद है फार्मूला अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में किया है इज इक्वल टू सैपल प्रोपोर्शन वन माइनस सेम्पल प्रपोर्शन डिवाइड बाई एन अंडर रूट विच इज़ इक्वल टू आपका साम्पल प्रोपोर्शन पॉइंट सिक्स है वन माइनस पॉइंट सिक्स विल बी पॉइंट फोर एन आपका हंड्रेड है और आप इसका अंडर रूट लेंगे तो वो आपका निकल आएगा कितना पूरे को सॉल्व करके आई कैन राइट पॉइंट यू हैव टू कैलकुलेट इट क्योंकि मैंने इसको z से फिर मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है तो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए जो वैल्यूज़ लिखेंगे वो है हमारी सैम्पल का प्रोपोर्शन विच इज़ पॉइंट सिक्स जेड हमारा है वन पॉइंट नाइन सिक्स और इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द पॉइंट सिक्स पॉइंट फोर हंड्रड अंडरूड अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आंसर आया हुआ है पॉइंट ज़ीरो नाइन सिक्स तो अब पॉइंट ज़ीरो नाइन सिक्स एक दफ़ा मैं प्लस करूंगी और एक दफ़ा माइनस करूँगी टू गेट द कॉन्फिडेंस इन अगर मैं एक दफ़ा माइनस करूँगी तो आंसर आ जाएगा पॉइंट फाइव ज़ीरो फोर और अगर मैं एक दफ़ा प्लस कर, करूँगी तो वो आ जाएगा पॉइंट सिक्स नाइन सिक्स अब मैं नाइन्टी फाइव परसेंट श्योर हूँ कि वो सैम्पल स्टूडेंट्स का जो मैंने निकाला है जिसमें प्रोपोर्शन फ़ीमेल का सिक्सटी परसेंट है और आई वॉन्ट टू नो कि पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर फीमेल स्टूडेंट्स का प्रोपोर्शन क्या होगा तो मैं उसके अंदर एक दफ़ा वो प्लस किया और एक दफ़ा माइनस किया तो अब आई एम नाइन्टी फाइव परसेंट श्योर कि पूरे कैंपस के अंदर फीमेल स्टूडेंट्स का प्रोपोर्शन फिफ्टी परसेंट से ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट के दरमियान होगा एंड द पापुलेशन प्रोपोर्शन वुड लाई बिटवीन दीज टू वैल्यूज़ एंड आई एम नाइन्टी फाइव परसेंट कॉन्फिडेंट अबाउट इट कैसे मैंने कॉन्फिडेंट फाइंड आउट किया है कि आई Drew the distribution and then I drew this area and I found that population parameter yani population ka proportion would lie between this value and this value.